ఒడిశాలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఎన్నికల ప్రచారంలో నిర్వహిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆ లైవ్ చూద్దాం. ఇన్ దోనో కి తుల్నా మే ఆప్కే సామ్నే భారతీయ జనతా పార్టీ కి సర్కార్ కా కామ్ కాజ్ భి హై. సాథియో ఆజ్ హీ భారతీయ జనతా పార్టీ కా స్థాపనా దివస్ భి హై. 39 वर्ष पहले आज के दिन सबसे बड़े राजनीतिक संगठन यानी हम सबके दिलों में बसी भाजपा का गठन हुआ था और इसका हम सभी देश प्रेमियों को गर्व है. बीजेपी इसलिए विशेष है क्योंकि ये पार्टी न तो धनबल से बनी है और न ही बाहुबल से बनी है और न ही ये बाहर से उधारी ली गई कोई विचारधारा से बनी है. साथियों, बीजेपी देश की जन जन की आकांक्षाओं में से जन्मी है और पली बड़ी है. భారత్ కి మూలభూత్ ఇస్ మిట్టి కి సుగంధ కే సాత్ ఏ ఉపజీ హై. భారతీయ సభ్యత ఆర్ సంస్కృతి మే రచి బసీ హై ఆర్ భారత్ కే సామర్థ్య కా ప్రతినిధిత్వ కర్తి హై. హమ్ పరివార్ పర్ ఆధారిత్ నహీ ఆర్ నా హీ హమ్ లోగ్ పైసో పర్ ఆధారిత్ హై. हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की है, कार्यकर्ताओं ने बनाई है, कार्यकर्ताओं के चार चार पीढ़ी खप गई है. कई पार्टियां पैसों से बनी है, ये पार्टी पसीने से बनी है, कार्यकर्ताओं के पसीने से बनी है. जब जब देश में चुनौती आई है तब तब बीजेपी कार्यकर्ता सब कुछ छोड़कर न्यौछावर कर मां भारती की रक्षा में डटकर खड़े हुए हैं और संघर्ष किया है. जेपी आंदोलन के दौरान जनसंघ के रूप में लोकतंत्र की रक्षा के लिए, आपातकाल के दौरान युवा शक्ति के रूप में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के दमनकारी और तानाशाही रवैये के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने का काम किया. लाखों भाजपा के जनसंघ के कार्यकर्ता जेलों में रहे, 19-19 महीने जेलों में रहे. जब भारत की एकता और अखंडता पर सवाल उठा तभी बीजेपी एकता यात्रा के साथ देश को एकजुट रखने के लिए आगे आई. चरैवेति चरैवेति के मंत्र को लेकर हम चलते रहते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी तो हमें कहा करते थे कि बीजेपी के कार्यकर्ता का एक पैर रेल में और दूसरा पैर जेल में रहना चाहिए. यानी बीजेपी का कार्यकर्ता लोगों की आवश्यकताओं को समझने के लिए जमीन से जुड़ा रहना चाहिए, लगातार भ्रमण करते रहना चाहिए. उसका एक पैर रेल के डिब्बे में होना चाहिए और दूसरा पैर विकास के जुड़े मुद्दों के लिए, जनता जनार्दन को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करे, संघर्ष करे, ताकि सरकार को उसे जेल में डाले बिना कोई चारा न बचे. और साथियों, ऐसा हुआ भी. मुझे याद है, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता था, गुजरात में था, राजनीति में नहीं था, लेकिन मैंने देखा था अनेक कार्यकर्ता, अनेक ऐसी बहनें छोटे छोटे बच्चों को लेकर के महीनों तक जेलों में समय गुजारती थी क्योंकि सरकार के दमन चला करते थे. इस समर्पण से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ. अगर केरल की तरफ नजर करें, आए दिन हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाती है.
वहां कोई सत्ता में हम बैठे नहीं है। बंगाल में आए दिन हमारे कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। जहां आतंकवाद है वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत माता की जय, इसी एक मंत्र के लिए समर्पित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चार चार पीढ़ी से, न कुछ लेना है, न कुछ पाना है, न कुछ बनना है, न कभी अखबार में तस्वीर छपती है, न टीवी पर चेहरा दिखता है, लेकिन फिर भी भारत माता की जय का नाद करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे रहते हैं। अपने इस लंबे सफर में अनेक बार बीजेपी के मनोबल को तोड़ने की तरह तरह से कोशिशें की गई, लेकिन पार्टी के निर्भीक और उत्साही कार्यकर्ताओं, उनके मनोबल को कभी कोई हिला नहीं पाया, डिगा नहीं पाया। आज बीजेपी का झंडा आज ऐसी जगहों पर लहरा रहा है जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की। आज नॉर्थ ईस्ट से लेकर भारत के चारों कोनों में भाजपा का परचम लहरा रहा है। देश भर में लोगों ने बीजेपी को गले लगाया है, अपने दिल में उतारा है। आज बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संगठन है, लोकतांत्रिक दल है। आज सबसे ज्यादा दलित, पिछड़े, आदिवासी, ग्रामीण तबके के किसान, महिलाएं आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। देश को कांग्रेस और कांग्रेस से निकली पार्टियों के सामने एक मजबूत विकल्प देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। साथियों, बीजेपी युवा भारत की पार्टी है, एस्पिरेशनल भारत की पार्टी है। इससे किसान जुड़ रहे हैं, जवान जुड़ रहे हैं, नौजवान जुड़ रहे हैं, महिलाएं जुड़ रही हैं। अगर भारत की राजनीति में किसी दल ने विकास को मुख्य मुद्दा बनाया, उसे जल आंदोलन का रूप दे दिया, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इतने कम समय में इतनी तेजी से आगे बढ़ा दल, इतनी छोटी आयु वाला दल जिसने भारत की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, वो है भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, अटल जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा। प्रतिबद्धता को आज मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। अब उनके ही परिश्रम से देश में एक बार फिर पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है। बीते पांच वर्षों में हमने देश को यह दिखाया है कि जब कांग्रेस कल्चर से मुक्त पूर्ण बहुमत वाली सरकार चलती है तो उसका मतलब क्या होता है। भाइयों और बहनों, भारत अब आतंकियों को घर में घुस करके मारता है। मारता है कि नहीं मारता है? आप खुश हैं? आतंकियों को अब ऐसा ही जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? भाइयों बहनों, सरकारें पहले भी थी लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक का कभी सोच भी नहीं पाती। सरकारें पहले भी थी लेकिन दूसरे देश की सीमा पर पार जाकर के हवाई जहाज से आतंकियों को, ठिकानों को खत्म करने आ उनके बस का रोग नहीं था। ये बदलते हुए भारत दिनों दिन मजबूत होते भारत का प्रमाण है। आप मुझे बताइए, देश मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मजबूत भारत के लिए मजबूत भाजपा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मजबूत भारत के लिए मजबूत सरकार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
मजबूत भारत के लिए मजबूत ओडिशा होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मजबूत ओडिशा मजबूत भारत के लिए कमल खिलना चाहिए कि नहीं खिलना चाहिए? पूरे उड़ीसा में कमल खिलना चाहिए कि नहीं खिलना चाहिए? हर विधानसभा में कमल खिलना चाहिए कि नहीं खिलना चाहिए? हर लोकसभा में कमल खिलना चाहिए कि नहीं खिलना चाहिए? साथियों, एक मजबूत देश, उसकी मजबूत सरकार ही अपने देश के भीतर की चुनौतियों को तेजी से समाप्त कर सकती है। गरीबी हो, पिछड़ापन हो, अशिक्षा हो, बीमारियां हो, इस मोर्चे पर एक मजबूत सरकार एक साथ काम कर सकती है। साथियों, आप बताइए, ओडिशा और देश को एक मजबूत सरकार की जरूरत है कि नहीं है? जरूरत है कि नहीं है? जरूरत पूरी करेंगे, जी जान से जुटेंगे, देश के तेज विकास के लिए एक मजबूत सरकार की जरूरत है, ये हम सब स्वीकार करते हैं। साथियों, सरकार ऐसी होनी चाहिए जो सबका साथ सबका विकास इस मंत्र पर चलने वाली, न कि जाति पंथ संप्रदाय और क्षेत्र के नाम पर भेदभाव करने वाली सरकार हो। भाइयों और बहनों, क्षेत्र के आधार पर जो भेदभाव ओडिशा की बीजेपी सरकार कर रही है, ऐसा ही भेद, इस प्रकार का भेदभाव कांग्रेस और उसके सहयोगियों दशकों से पूरे पूर्वी भारत के साथ किया है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट, पश्चिम बंगाल और ओडिशा सहित देश का ये पूरी हिस्सा विकास की रोशनी से दूर रहा। ये आपका चौकीदार है, ये आपका चौकीदार है जिसने पूरे पूर्वी भारत को नए भारत का विकास इंजन बनाने का बीड़ा उठाया है, आपके हितों की चौकीदारी करने का संकल्प लिया। साथियों, ये संकल्प बड़े सपनों की बात, सबको सुरक्षा, सबको समृद्धि और सबको सम्मान देने की बात हम ऐसे ही नहीं करते, बल्कि अपने काम के आधार पर करते हैं। आपके पड़ोस में झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, देश के आदिवासियों के विकास और जनजातीय हितों को ध्यान में रखते हुए अटल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इन दोनों राज्यों का निर्माण किया था। छत्तीसगढ़ तो बिल्कुल नया था, हिंसा से प्रभावित था। आज तुलना कीजिए, 15 वर्ष बीजेपी के और ये 19-20 साल यहां के बीजेडी के। ऐसे ही झारखंड में आज विकास गांव गांव तक पहुंच रहा है, सामान्य मानवी को हर प्रकार की सुविधाएं पहुंचने में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज झारखंड के युवाओं को पलायन के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता, उन्हें राज्य में ही काम करने के अच्छे विकल्प मिल रहे हैं। बीजेपी का यही ट्रैक रिकॉर्ड है, विकास के डबल इंजन का यही इतिहास है जिसको लेकर आपके सामने आज मैं खड़ा हूं। आपको विकास चाहिए या